एवरीवन नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा'स परफेक्ट प्लेट। और जिसे आलू पराठा और पनीर पराठा खाना पसंद है ना, तो ये रेसिपी उसके लिए है। और ये रेसिपी मेरी तो बहुत ही फेवरेट है, तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ आलू पनीर पराठा की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी होती है। तो बिना देरी किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ बोल में आटा लिया है लगभग 1.5 कप, और इसमें डाल रही हूँ नमक। इसे हमें नीड करना है जैसे हम नॉर्मली पराठे का आटा नीड करते हैं। जो पराठे हम स्टफ करके बनाते हैं उसके लिए आटा थोड़ा सा सॉफ्ट रहना चाहिए। जैसे हम रोटी का आटा नीड करते हैं ना, उससे थोड़ा सॉफ्ट रहेगा तब जो आपके पराठे हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को नीड कर लिया है, और इसके बाद जब ये स्मूद हो गया, इस पर थोड़ा सा मैं ऑयल डाल रही हूँ और एक बार और इसे नीड करूँगी, और इसके बाद हमें इसे रेस्ट करने छोड़ना होगा। तो अच्छे से इसे नीड कर लिया है, चिकना कर लिया है, स्मूद कर लिया है, और इसके बाद इसे कवर करके रेस्ट होने देंगे लगभग 10 मिनट्स के लिए। तब तक हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ बॉइल्ड आलू लिया है, इसे मैं ग्रेट कर रही हूँ। तो आप हाथों से मैश कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना चंक रह जाते हैं जो कि पराठे फट सकते हैं, जिससे इसलिए मैंने इसमें ग्रेट कर लिया और पनीर भी ग्रेट किया है। तो मैंने यहाँ 4 बॉइल्ड आलू और लगभग 150 ग्राम पनीर को ग्रेट कर लिया है, और इसी में कुछ हम स्पाइसेस डालेंगे, फ्लेवरिंग ऐड करेंगे। जैसे सॉल्ट डाल रही हूँ मैं, पहले नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा तभी टेस्टी लगता है। उसके साथ रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, साथ में आमचूर पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और चाट मसाला डाला है मैंने इसमें। इसके साथ मैं डाल रही हूँ इसमें खूब सारा हरा धनिया, जो कि बहुत टेस्टी फ्लेवर देता है। साथ में चॉप की हुई हरी मिर्चें और चॉप की हुई प्याज। तो प्याज और हरी मिर्च थोड़ी बारीक चॉप करके डालिएगा। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, तो ये काम चम्मच से तो नहीं हो पाएगा, तो मैं इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए हमारी डिलिशियस सी फिलिंग बन के बिल्कुल तैयार है, बहुत ही चटपटी लगती है ये फिलिंग। तो फिलिंग रेडी है, यहाँ हमारा जो आटा है वो भी अच्छे से रेस्ट हो चुका है 10 मिनट्स तक। और इसका हम एक पेड़ा लेंगे, तो रोटी से थोड़ा बड़ा पेड़ा लिया है मैंने। इसे अच्छे से हाथों में रोल करेंगे, आटा डस्ट करेंगे इसके ऊपर, और इसकी एक कटोरी जैसी शेप बना लेनी है हमें, बिल्कुल ऐसी। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ फिलिंग, तो फिलिंग थोड़ी ज़्यादा करके डालेंगे ना तो ये पराठे खाने में बहुत ही बढ़िया लगेंगे। और उसके बाद फिलिंग को अंदर प्रेस करते हुए और आटे को ऊपर स्ट्रेच करते हुए, पुल करते हुए इसे सील कर लेंगे। और जो एक्सेस आटा है ना, उसे मैंने ऐसे रोल करके निकाल दिया है। इसकी फिर से अच्छे से लोई को स्मूथ कर लेंगे, पेड़े को आटा डस्ट करेंगे, और इसके बाद इसे मैं हल्के हाथों से रोल कर रही हूँ। तो इस पर ज़्यादा प्रेशर मत लगाइएगा वरना पराठे जो है वो फट जाएंगे। हल्के हल्के हाथों से आटा लगा के इसे रोल कर लीजिए, और हमारा पराठा बनके बिल्कुल तैयार है। इसे अब सेकना है हमें, तवे पे डाल दिया है, एक तरह से जब सेक गया है इसको पलट देंगे। और ऊपर से मैं लगा रही हूँ घी, तो आप चाहें तो घी, ऑयल, बटर, जो आप खाना पसंद करते हैं वो लगा सकते हैं। फ्लिप करके दूसरी तरफ भी मैं इसमें घी लगा रही हूँ, और इसके बाद इसे अच्छे से सेकेंगे लो मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि थोड़ी से क्रिस्प नहीं हो जाते और अच्छे से पक नहीं जाता। और बस हमारा डिलिशियस आलू पनीर पराठा बनके बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म इसे सर्व कर रही हूँ मैं, और ये देखिए इसकी फिलिंग ना इतनी बढ़िया तरीके से स्प्रेड हुई है, और खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है। इसे दही या अचार या चटनी किसी के साथ भी सर्व करिए और इन्जॉय करिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा।